मध्य प्रदेश के देवास जिले में सोना मकान देख अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़ा और घर में घुसकर आभूषण चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर कुछ दूरी पर फेंक दिया था। वहीं शुक्रवार सुबह परिजनों को सूचना मिली कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है, जिस पर वह घर आए जहां सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। मामले को लेकर पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार उज्जैन रोड स्थित साईनाथ कॉलोनी में रहने वाले पवन यादव के घर पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पवन द्वारा बताया गया है कि वह गुरुवार दोपहर में काम पर चला गया था। उसकी पत्नी शाम को मायके बच्चों के पास गई हुई थी। घर पर ताला लगा था। संभवतः गुरुवार देर रात में अज्ञात चोरों ने सोना मकान देख चोरी की वारदात को अंजाम दिया होगा। पवन द्वारा बताया गया है कि शुक्रवार सुबह वह घर पर आया। उसने घर में जाकर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त था। उसने बताया कि घर में आधा किलो चांदी की रकम, आंवला पैर में पहनने वाला आभूषण, 8 पारा सोने के माखी, छोटे बच्चों के पहनाने वाला आभूषण और कान के टॉप्स सोने की, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए है, जो चोरी हो गए हैं। फरियादी पवन की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। यहाँ पे चोरी हुई है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है और क्या कुछ समझ जैन रोड साईनाथ नगर, यहाँ पे मकान नंबर 214 पे आधा किलो आंवले की चले गए और मक्खी चली गई सोने की, 8 मोती थे जिसमें, और कान के टप से टाप से चले गए वाइट, और घर में नहीं सामान बिखरा दिया पूरा सब सामान। अच्छा, ये उसमें आप लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे क्या घर पे? यहाँ पर कोई भी नहीं था। कहाँ गए थे? मैं काम पे चले गया था और मेरी घर वाली मायके चली गई थी, बच्चों की तबीयत खराब थी। तो अच्छा, बच्चे के मायके में रहते हैं? नहीं, अभी तबीयत खराब थी तो वहाँ चली गई थी बच्चे की, घर पे कोई भी नहीं था। बच्चा क्या नानी के घर रहता है? नहीं, रहते तो हम यहीं पर हैं, पर रात को ही चले गए थे। अच्छा, ही चले गए थे ठीक, और रात में घर पे कोई भी नहीं था। और कितने बजे के आसपास चोरी हुई होगी? ये पता नहीं, क्योंकि 12 बजे तक तो मैं इधर था, सही 12 बजे बाद में हुई है चोरी। क्या नाम है आपका? पवन यादव। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे होगा 3 साल हो गए रहते हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।